नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और तमाम तरह की बातें डॉक्टर्स कह रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेकर। भगवान इस दुनिया में हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर्स को बनाया और डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। तमाम घरों में खुशियों के दीप जलाते हैं डॉक्टर्स, कितनों की जिंदगी को बचाते हैं, कई बार काफ़ी लोगों की सांस चली भी जाती है उन सांसों को लौटाते हैं। इस प्रोफेशन को जानने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के जाने माने डॉक्टर्स हैं। आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ सीनियर पेडियाट्रिक्स डॉक्टर सुनील सिंगर हैं, मोस्ट वेलकम सर। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम सिंह हैं, मोस्ट वेलकम सर। और हमारे साथ सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार गांधी हैं, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। हम तीनों डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, डॉक्टर का पेशा क्या होता है। कई बार हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, तमाम लांछन लगाए जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर और ये कहा जाता है कि डेथ डॉक्टर्स की वजह से हुई। तो आज हम बहुत तीखे सवाल डॉक्टर से करेंगे और जो दर्शक आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप जानने की पूरी कोशिश करना कि जो गलतफहमी आप लोगों के बीच में फैलाई जाती है या आपके मन में डॉक्टर की इमेज को लेकर है, वो आज क्लैरिफाई की जाएगी। तो आज हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह की मंशा कई बार देखी भी जाती है और हम लोग न्यूज़ को भी कवर करते हैं, डॉक्टर पे तमाम लांछन लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सेलिब्रेशन का मतलब क्या है और डॉक्टर डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। डॉक्टर सुनील, आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और आप लोगों का दिन है। What is the meaning of Doctor's Day? Celebration का मतलब क्या है? हाँ सुनिए जी, Doctor's Day पे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि Doctor's Day हम क्यों मनाते हैं। मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि Doctor's Day हर एक कंट्री में अलग अलग दिन मनाया जाता है। जैसे हमारी इंडिया में Doctor's Day 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऐसे ही अमेरिका में दिसंबर में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत इनफैक्ट अमेरिका से हुई 1933 में, जब एक Doctor's Day मनाना शुरू किया। किस लिए? कि इस दिन हम डॉक्टर्स को सम्मान दें, रेस्पेक्ट दें, जो लाइफ और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक पेशेंट्स की लाइफ केयर की सर्विस में लगाई है। तो एक दिन ऐसा चुना कि जिस दिन हम अपने डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट दें, और इसकी शुरुआत कुछ कार्ड देने से, फ्लावर्स देने से इस रूप में हुई। और हम पूरे विश्व भर में अब ये डॉक्टर्स डे मनाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये हम 1 जुलाई इसलिए है कि जो हमारे डॉक्टर बीसी रॉय थे, डॉक्टर विधान चंद रॉय, जो कि कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो बहुत बड़े फिजिशियन थे। उन्होंने बहुत जन सेवाएँ की और इवन आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ भाग लिया और बहुत पेशेंट्स देखते थे, वो बिना पैसे लिए पेशेंट देखते थे और सर्विसेज भी दी, चीफ मिनिस्टर की लिए भी सर्विस दी। और उन्हें जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, उससे भी नवाजा गया। और वो 1882 1 जुलाई को पैदा हुए और किस्मत की बात है कि 1962 1 जुलाई को ही उनका जीवन पूरा हुआ। तो उनके जन्म के उपलक्ष में या उनकी जीवनी के उपलक्ष में हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा डे उनको भी डेडिकेटेड है और हमारे पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी को डेडिकेटेड है। हम उसके रेस्पेक्ट सम्मान में आज का दिन मनाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा और डॉक्टर सुनील ने आपको बताया कि डॉक्टर डे को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सिंह डॉक्टर गौतम हैं सर, जिस तरह से देखा जाए और जानने की कोशिश की जाए कि कई बार आप लोगों पर तमाम लांछन लगाए जाते हैं और मैं इसको बाद में जिक्र करूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए कि इंडिया के 50% डॉक्टर जो WHO कहती है वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं और तमाम रिसर्च भी आती हैं ब्लड प्रेशर को लेकर, क्या आप कहना चाहेंगे ये आज आपका डे है? देखिए, ब्लड प्रेशर को लेके मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर समाज है उसके अंदर WHO ने ये बताया है कि 50% डॉक्टर जो हैं उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये डॉक्टर जो है हमारे समाज से ही निकल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं WHO ने ये बताया है कि 50% डॉक्टर्स का जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। डॉक्टर हमारे समाज का एक रिफ्लेक्शन है, हमारे समाज से ही आया है, जो हमारे समाज में है वही आज एक डॉक्टर है। हमारे समाज में हिंदुस्तान के अंदर भी जो है 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है।
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका डायग्नोस हो पाता है। ये आंकड़ा लगभग जो है वो 17-22% है, और बहुत ही कम उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर एक्चुअली कंट्रोल्ड रहता है। जो आंकड़ा डेवलप्ड कंट्रीज़ का है जैसे फ्रांस या स्पेन का है, उसके अंदर ये देखा गया है कि अगर 100 लोग जो है उनको हम डायग्नोस कर लेते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है, तो उसमें से 36 लोग जो हैं उन्हीं का ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल रहता है, और हिंदुस्तान के अंदर तो ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है, और कई कई जगहों पे तो ये मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है कि इस आंकड़े को गैदर भी किया जाए। तो आज के दिन जो है मैं अपने सारे डॉक्टर मित्रों से और अपने सारे मरीजों से ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, हिंदुस्तान के अंदर एक किलर डिजीज़ के तौर पे है, इससे हार्ट की और ब्रेन की बहुत बीमारियां हो जाती हैं, और सिंपल सी एक दवाई से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का हमें कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन्स हैं आजकल, जो हम एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन ले लेते हैं जिससे ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, इसका जो आंकड़ा आया है इसमें पता चला है कि 50-70% इसमें रीडिंग्स जो है वो गलत आती हैं। इसलिए अगर आपकी कोई एक रीडिंग इसमें अलग आ रही है, बहुत ऊंची या बहुत नीची आ रही है, तो इससे आप ना घबराएं, ना डरें, आप अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो दोबारा लें, दूसरे हाथ में लें, अलग अलग पोजिशंस में लें, जैसे बैठ के अपने हाथ को सीधा रख के या आराम करके आप लेटे हुई पोजीशन में अपने ब्लड प्रेशर को लें, और 5-6 रीडिंग्स का आप एवरेज लगाएं, तो लगभग आपकी एक एवरेज रीडिंग जो है वो एक करेक्ट रीडिंग होगी आपके ब्लड प्रेशर के लिए। तो एक रीडिंग पे आप ये ना सोचें कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है या बहुत हाई है, या इसके लिए मुझे दवाई खाने की या नहीं खाने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो अपने डॉक्टर से इसके लिए संपर्क करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर ने, और देखा भी जाता है कि तमाम लोग अपने घरों में ही मॉनिटरिंग करते हैं और रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद ही चेकिंग कराई जाती है। इस पर अभी रिसर्च भी हुई है USA में, और देखा गया है कि 70% रीडिंग रॉन्ग आती है। तो हम भी चाहेंगे कि आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। चलते हैं डॉक्टर गांधी के पास। डॉक्टर गांधी, आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं और तमाम घरों में आप खुशियाँ भेजते हैं, आपके घर से बहुत, आपके जो जिस तरह से देखा जाए प्रोफेशन ही आपका इस तरह का है, लेकिन कई बार आप पर आरोप भी लग जाते हैं, सवालों के घेरे में आ जाते हैं, जनता के कटघरे में आ जाते हैं, तो क्या ये कहा जाए? जिस तरह से अगर बात किया सीजर्स को लेके, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, और जो मैसेज एक समाज में है इसके प्रति, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएँ हैं, सारे डॉक्टर्स मित्रों को भी हैप्पी डॉक्टर्स डे। अब जहाँ तक सवाल रहा कि डॉक्टर्स पे लांछन लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पास। अगर हमें अभी की बात सोची जाए तो कुछ समय पहले सरकार ने ये कहा कि जी सिजेरियन का रेट हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी का रेट कम होता जा रहा है। इसको लेके पेशेंट में भी ये धारणा है कि जी हम गए थे अस्पताल, तुरंत ऑपरेशन कर दिया हमारा। अब एक आप सोचने की कोशिश करिए, आप हमारी रोजी रोटी है, आपके ज़रिए हमारा घर चलता है, अगर हम ज़बरदस्ती आपका आज ऑपरेशन कर देंगे, आप अगली बार किसी और जगह चले जाएंगे। इसलिए पहले कभी भी कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। दूसरा ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि सिजेरियन रेट बढ़ गया है, बिल्कुल सही है कि अगर हम आज का डेटा देखते हैं तो सिजेरियन रेट ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ ये देखना चाहिए पेरीनेटल मॉर्टालिटी मॉर्बिडिटी, इसको हम कहते हैं कि जो बच्चे के पे बीतने वाली जो समस्याएँ हैं, या तो उसकी डेथ होना जिसको मॉर्टालिटी कहते हैं, और मॉर्बिडिटी आने के उसमें कोई कमी आना। कमी आने का मतलब है कि जैसे उसको कोई ब्रेन से लेके कोई प्रॉब्लम हुई कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, उसकी कोई हड्डी टूट गई, बच्चा कहीं फंस गया। पहले के ज़माने में औजारों से डिलीवरी होती थी ऑपरेशन बचाने के लिए, जैसे कि आपने 3 Idiots मूवी में भी देखा होगा कि एक वैक्यूम से डिलीवरी कराइए। अब इस तरह से खींचा खाची करके जो डिलीवरी कराई जाती है, कभी कभार बच्चे की कोई हड्डी टूट सकती है जो पूरी ज़िंदगी उसको मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें अवॉइड हो गई सिजेरियन आने से, सुविधाएं बेहतर होने से। पहले के ज़माने में एनेस्थीशिया की सुविधा इतनी अच्छी नहीं होती थी, जिस वजह से सिजेरियन नहीं किया जाता था, और कोशिश की जाती थी कुछ करके बच्चे को निकाल दिया जाए। आज अगर नॉर्मल डिलीवरी या कुछ करके बच्चा हो गया, अगला बच्चा फिर सही से पैदा हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमने कम कर दिए हैं। जो आज से 15-20 साल पहले मैटरनल और पेरीनेटल मॉर्टालिटी रेट हम मानते थे कि जिसमें कि बच्चे की डेथ होती थी, वो रेट था अराउंड 160 पर 1000 लाइव बर्थ्स।
अब ये मॉडर्नाइज्ड वे में चाहे सिजेरियन रेट बढ़ने की वजह से हो या बेहतर हमारी सर्विसेज होने की वजह से हो, ये रेट आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लेस देन 35 हो गया है, जो कि हम अचीव करना चाहते हैं लेस देन 20। तो ये जो बच्चे पे बीतने वाली समस्या है, अगर उसको हम कम कराते हैं और अगर उस एवज में अगर सिजेरियन हो भी जाता है, तो हमें लगता है कि एक बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, एक कल के फ्यूचर के लिए अच्छी ज़िंदगी देने के लिए अगर सिजेरियन किया भी जाता है जिसके कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो देर इज़ नो हार्म विथ इट। जैसे कि मेरे भी दोनों बच्चे सिजेरियन से हुआ है। आम धारणा है हमारे पास कि सिजेरियन डॉक्टर पैसा कमाने के लिए करता है। मैंने तो कोई पैसे नहीं कमाए होंगे, लेकिन मेरे बच्चे आज दोनों स्वस्थ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन हो। इसलिए ये धारणा बिल्कुल मत रखिए कि पैसा बनाने के लिए सिजेरियन किया जा रहा है या हम गए तुरंत ही ऑपरेशन कर दिया, आज मैं कर दूंगा आप कल किसी और डॉक्टर के पास चले जाओगे, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की सुविधाओं को देखते हुए जो चीज़ बच्चे और माँ के हक में सही है वही की जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि जो चीज़ माँ और बच्चे के हक के लिए है वही की जाती है। डॉक्टर सुनील, इसके बाद भी देखा जाता है कि अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास न्यूज़ आई थी और हम लोगों ने इसको ऑन एयर भी किया, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली का मानवा अस्पताल है, और वहाँ पर देखा गया था कि हॉस्पिटल ने कहा कि बच्चा डेड है, इसको आप घर पे ले जाओ। जब वो घर पे ले गए, जब उस पैक खोला तो बच्चा सर्वाइव कर रहा था, वो उसको शमशान घाट ले जा रहे थे। तो उसके बाद ये लांछन लगाया जा रहा डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर ने ढंग से उसको चेक नहीं किया। उसके बाद हॉस्पिटल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन WHO क्या कहता है कि जब जो बच्चा जन्म देगा, जैसे आप लोग काफ़ी लोगों को मैं देखा है कि डिलीवरी आप लोग करते हैं और इसके बारे में जिक्र भी करते हैं, तो WHO कंडीशंस क्या हैं, क्या उन कंडीशन को फॉलो करने के बाद ही इस तरह का जिक्र देखा गया? सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये केस आजकल बहुत चर्चा में है मीडिया में कि सफदरजंग अस्पताल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, मृत नहीं था। इसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स हाईलाइट करना चाहूँगा कि सर्वाइवल या जिंदा बच्चा हम किसको कहें। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो बच्चा पैदा होने के टाइम पे 500 ग्राम से ज़्यादा का हो, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि बच्चा का वज़न 500 ग्राम से ज़्यादा हो और जो उसकी डिलीवरी का जेस्टेशनल पीरियड है वो 28 हफ्ते के बाद बच्चा पैदा हुआ हो, यानी 7 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ करीब करीब। बहुत सी कंट्रीज़ में ये अब 28 हफ्ते वाला नीचे हट के 24 हफ्ते भी आ गया है, पर हमारे देश में भी ये 28 हफ्ते ही है एज़ पर WHO गाइडलाइन। तो वो जो बच्चा पैदा हुआ था, एक तो वो टर्म नहीं था और वो 500 ग्राम से कम ही था, तो उसकी एक लाइबिलिटी या एक लाइबल या बच्चा नहीं है कि बच्चा वो लाइव बर्थ है, उसको डेड माना जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, उसमें जन्म के टाइम पे बच्चे में जो हार्ट बीट है वो 6 हफ्ते पे आ जाती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में 6 हफ्ते का होता है तो उसमें 6 से 8 बीच में हार्ट बीट आ जाती है, पर जो जान है उसमें वो एक तरह से उसको हम जान नहीं कहेंगे, जब तक पूरे ऑर्गन डेवलप ना हो जाए, जब तक ब्रेन डेवलप ना हो जाए, किडनी डेवलप ना हो जाए और हार्ट डेवलप ना हो जाए, पूर्णतः लीवर डेवलप ना हो जाए, तब तक वो सर्वाइव इस दुनिया में नहीं कर सकता एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट जैसे हम करते हैं। अगर उस बच्चे में हार्ट बीट भी थी, मान लो मैं इस बात को मान लूँ उस वक्त, हो सकता है कि कोई हार्ट बीट हो, पर वो बच्चा सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में तैयार नहीं था। हो सकता है कि 10 मिनट हार्ट बीट हुई हो, 20 मिनट रही हो, हम अगर उसको वेंटिलेटर पे भी डालें या और कुछ सुविधा संपन्न भी दें तो हम उसको ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्टर ने यही सारे पैरामीटर देख के उसको मृत घोषित कर दिया था। अब ये फैक्ट मुझे नहीं पता कि उसके बाद हार्ट बीट थी नहीं, फैक्ट्स क्या थे नहीं क्या थे, जो WHO गाइडलाइन है मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर गांधी ने भी कहा कि डॉक्टर को हम भगवान समझते हैं, जैसे सुनील जी ने अपने इंट्रोडक्शन में किया कि भगवान धरती पर नहीं आ सकते तो उन्होंने डॉक्टर को भेज दिया। देखिए, ये आप ऐसी धारणा ना रखें कि डॉक्टर भगवान है, ऐसा हम मानते थे कि भगवान है डॉक्टर, पर आजकल आप देख रहे हो कि इतने इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं कि आज इस डॉक्टर को यहाँ मारा, कल डॉक्टर को वहाँ मारा, परसों यहाँ मारा, अब सफदरजंग वाला केस है, इसमें भी पूरा हंगामा हुआ अस्पताल में, तोड़फोड़ हुई। ऐसा केस मैं आपको और एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक बच्चा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जिसको हम CNBC के नाम से जानते हैं, वहाँ एक बच्चा 28 हफ्ते का करीब आया रात में, जिसका वज़न करीब 932 ग्राम था। पिछले साल की बात है, उस बच्चे को भर्ती कर लिया गया, वेंटिलेटर खाली नहीं था और एक मैकेनिकल वेंटिलेटर हाथ से उसको वेंटिलेशन से दिया गया। बच्चे का जीवित रह पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया कि उस बच्चे को जीवन दान दिया जा सके।
जीवन दान ऊपर वाले के हाथ में, फिर मैं कहता हूँ कि डॉक्टर को भगवान ना समझें, हम भगवान के नुमाइंदे हैं जो एक ज़िंदगी से लड़ने में या ज़िंदगी देने में आपकी मदद करते हैं और आप हमारी मदद करें। खैर, भगवान को जो मंजूर था वो बच्चा एक्सपायर हो गया, क्योंकि सर्वाइव करने की स्थिति में बच्चा नहीं। रिलेटिव्स ने डॉक्टर्स की पिटाई की, वहाँ पर स्टाफ की पिटाई की, और अस्पताल में जाके झूठा केस दायर कर दिया कि भाई इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है, बच्चे का इलाज नहीं किया और इलाज करने से मना कर दिया। और ऐसी स्थिति में कुछ नए लोग आ जाते हैं जो मरीज़ के साथ नुमाइंदे होते हैं, वो नहीं होते, नए लोग आके मारपीट करते हैं। हम लोगों ने जाके SHO साहब से, ACPG से, DCPG से शिकायत भी की, रिक्वेस्ट भी की कि सर ऐसा ऐसा केस है, इसको आप देखिए, और जो वीडियो फुटेज है उसमें आप देखिए कि डॉक्टर ने बदतमीजी की है या मरीजों ने बदतमीजी की है। खैर, हमें कमिश्नर साहब के पास तक जाना पड़ा और उस केस की तहकीकात हुई, और वो तीनों लोग जिन्होंने डॉक्टर की पिटाई की थी, उन तीनों को उन्होंने पुलिस में पकड़ा, हिरासत में जाके लिया। डॉक्टर गौतम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और कई बार देखा भी जाता है, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, काफ़ी बार पार्क में बात होती है, एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारे घर के थोड़े आगे अंकल जी रहते हैं, और वो 4 दिन से वेंटिलेटर पर थे एक हॉस्पिटल में, और उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि डॉक्टर लूटते हो, आप लोग लूटते हो, मैं ठीक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्यों आप लोगों को लूटते हो? और ये लांछन जो आप पर लगाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों के मन में अवधारणा है कि डॉक्टर पैसा बना रहा है, डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, ये क्या है? और आज डॉक्टर्स डे है, तमाम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो क्लैरिफाई कीजिए, जिस तरह से लोगों की जो अवधारणा है वो दूर। देखिए सुनील जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा मेरे से, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है मेडिकल प्रोफेशन को जो है एक मेडिकल इंडस्ट्री लोग समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर पैसा बनाना है किसी को तो वो मेडिकल में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस उम्र के अंदर हम जो है अपना काम करना शुरू करते हैं, उस उम्र के अंदर ऑलरेडी हमारे दोस्त जो हैं वो CEO और कंपनीज के जो हैं वो हेड्स बन गए होते हैं। जिस उम्र में हम एक्चुअली जो है कुछ समाज के अंदर नाम कमाना और कुछ अपना नाम इस्टेब्लिश करना जो है शुरू करते हैं, उस उम्र के अंदर वो लोग अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं। और जिस उम्र के अंदर हम अपना सबसे मेहनत का काम कर रहे होते हैं, उस उम्र में हमारे दोस्त दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, अब्रॉड के अंदर और अलग अलग जगहों में वो लोग अपनी ज़िंदगी, रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर जो है कोई भी आप ये सोच सकते हैं कि ये इंडस्ट्री है, मगर आज समाज ने जो है मेडिकल प्रोफेशन को एक इंडस्ट्री के तौर पे देखा है, और ये देखा है कि ये जो है एक जगह है जहाँ पे जो है पैसे बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो जीवित हो सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। मेरे पास एक पेशेंट आया और मैंने उसके घर वालों को बताया कि अगर इस मरीज़ को वेंटिलेटर पे रखा जाए तो शायद जो है वो ये पेशेंट बच सकता है। तो तुरंत उसके मरीज ने, उसके अटेंडर ने मेरे को बोला, डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं पैसे बनाने के लिए आप ये कर रहे हो कि आपको विश्वास है कि मरीज़ जी सकता है? मैंने उससे पूछा, मैंने काम क्या करते हो? उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। मैंने उस आदमी को बताया, अगर तुम्हारा एक पेड़ है वो उग नहीं रहा है, उसके अंदर जो है वो अच्छी हरी पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ शायद पूरा तरह उग पाएगा या नहीं उग पाएगा, तो उसमें तुम मेहनत ज़्यादा करोगे या उसको उखाड़ के फेंक दोगे? उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसमें मेहनत ज़्यादा करूँगा। मैंने कहा, इसी तरह हमारा मरीज़ होता है, हम अपने मरीज़ के ऊपर मेहनत करके कोशिश करते हैं कि वो मरीज़ जो है वो अपनी मुश्किल से, अपनी कठिनाइयों से बाहर आ जाए, और अगर वो आ जाएगा तो वो एक स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए कोशिश की जा सकती है, मगर कोई भी डॉक्टर भगवान नहीं है, या कोई भी डॉक्टर जो है ये विश्वास से नहीं कह सकता है कि मैं ये करने में सक्षम रहूँगा, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति को कोई ना पकड़ सका है, ना कोई प्रकृति को जो है वो चैलेंज कर सका आज के ज़माने में। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो है ये लालच लगा दिया जाता है कि वो मरीज़ को ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं, या वो मरीज़ को ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रख देते हैं, या आजकल हमारे ऊपर जो है एक नई चीज़ आ गई है जो इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनीज मरीज़ को कार्ड बेचते टाइम तो ये कहती हैं कि आपको जो बीमारी हो आपका हो जाएगा, जैसा हो आपका हो जाएगा, मगर जब वो पेशेंट हमारे यहाँ पर भर्ती होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे ये कहती हैं
कि इस बीमारी का तो हम इलाज के लिए हम पैसे नहीं देंगे, इस बीमारी के इलाज के लिए हम इतने पैसे ही देंगे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे में ये देखा गया है कि डॉक्टर के ऊपर ये सोचा जाता है कि डॉक्टर पैसे ज़्यादा बनाने के लिए जो है वो शायद इलाज नहीं कर रहा है, या वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो है मिलकर कोई काम कर रहा है। मगर ये चीज़ें सही नहीं है। आपका डॉक्टर जो आपके सामने है, एक एक इंसान जो आपके सामने है, जिसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो मेहनत से जो है वो काम करके आगे बढ़ के इतने साल लगा के वो आया है, वो कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अगर हजार लाख मैं आपसे कहूँ कि लोग हिंदुस्तान के अंदर आज वेंटिलेटर पे हैं, और उस लाख में से जो है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कई हज़ार लोग जो हैं वो वेंटिलेटर से कल बाहर आ जाएंगे, और वो कल वेंटिलेटर के बिना अपनी ज़िंदगी अपनी सांस ले पाएंगे। तो ऐसे समय के अंदर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई मरीज़ को वेंटिलेटर पे रखने की कोशिश करके और उसको जीवन देने की अगर कोशिश की जाए तो ये गलत नहीं है? बिल्कुल, ये इनर वॉइस है डॉक्टर्स की जो निकल कर आ रही है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है, और मैंने कई बार इस स्टोरी को ऑनर भी किया है कि ये लोगों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर ढंग से नहीं देखते, बस पूछते ही तुरंत पर्चे लिखने लगते हैं और ढंग से देखते भी नहीं है। और रिपोर्ट्स में भी इस बात को निकल कर आया है कि यूएसए में जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ज़्यादा टाइम देखते हैं, 20 मिनट्स तक देखते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं करते। लेकिन हम डॉक्टर गांधी से जानने की कोशिश करेंगे इसी बात को लेकर, क्योंकि क्या और अब्रॉड कंट्रीज़ में और इंडिया जो हमारी कंट्री है इसमें ऐसा क्या अंतर है? डॉक्टर गांधी, आपका प्रोफेशन तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि स्माइल आपकी फेस पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान दुखी होकर आता है, और कहते हुए कि डॉक्टर की स्माइल है ना वो सारे दुखों को हर मतलब ख़त्म कर देती है पेशेंट के। तो स्माइलिंग फेस होना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके हॉस्पिटल से लोग खुशियाँ लेकर जाते हैं, पता नहीं होता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके बाद भी कई आरोप आप पे हैं होते हैं। मैंने कई बार देखा है, पढ़ा भी है कि बच्चा क्यों बदल दिया, बच्चा डैड हो गया तो डॉक्टर ने ढंग से डिलीवरी नहीं की। क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये, कि जो है अगर हम ध्यान से देखते हैं, हम अपने हिसाब से रिएक्शन करते हैं इस चीज़ का, कि अगर ये चीज़ के अंदर अगर हमारे पास पेशेंट आता है, आज ही की बात है मेरे पास एक पेशेंट आया, किसी और डॉक्टर के पास से आया है, जिसका पूरा टाइम है 8.5 महीने की प्रेगनेंसी है, उसको करीब 20 मिनट लगा के 25 मिनट लगा के देखा, उसके सारे पेपर्स देखे, उसकी सारी रिपोर्ट्स देखी, बच्चे के अल्ट्रासाउंड में बच्चे के गले के अंदर नाड़ू फंसी हुई है। अब ये बच्चा हम कोशिश कर सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कराएं, हो सकता है ये डिलीवरी नॉर्मल ना भी हो पाए, तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम अमेरिका से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास है पॉपुलेशन, हमारे पास ओवरक्राउडिंग है हर जगह पे, हमारे जो सरकारी अस्पताल के मित्र हैं डॉक्टर्स हैं वो इतने ओवरवर्क्ड है कि 36 घंटे तक उनको परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ती है, 36 घंटे तक उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती है। अब 36 घंटे किसी को भी हम काम करने के लिए कहेंगे, मेरे ख्याल से बाकी किसी भी ऑफिस के अंदर 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी नहीं है, लेकिन डॉक्टर से माना जाता है कि वो 36 घंटे ड्यूटी करेंगे और पूरी ईमानदारी से जिस तरह से मरीज़ चाहता है उस तरह से इलाज करेंगे। अगर मरीज़ ने सोचा है कि मुझे इस चीज़ के अंदर दवाई मिलनी चाहिए तो हम दवाई देंगे, अगर मरीज़ सोच के आया है कि मुझे इसमें इंजेक्शन लगना चाहिए और अगर डॉक्टर सिर्फ दवाई लिखते तो उनके हिसाब से वो इलाज गलत है, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए। मेरे दोनों सीनियर डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि डॉक्टर एक आफ्टर ऑल इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन एरर्स आर बाउंड टू बी देयर, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करता है, अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करता है, और ये बताने की और ये अच्छे से कोशिश करने के बाद कि भाई मरीज़ मेरा ठीक होके घर जाए, ताकि वो और चार लोगों को बताए कि जी ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया है, और आगे चार पेशेंट मेरे पास नए आएंगे। एक समय के बाद चाहे पैसा हो इंसान के पास ना हो, लेकिन एक खुशी अगर उसे एक दूसरा पेशेंट आके कहता है कि सर आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। हर इंसान को एट द एंड ऑफ द डे ये सुनना होता है कि आप अच्छे हो, आप आपके काम में अच्छे हो, तो हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी हमें भी एक ह्यूमन बीइंग समझा जाए, ना कि भगवान समझा जाए, और ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रोफेशन में ब्लैक शीप्स अवेलेबल हैं। हमारे प्रोफेशन में भी कुछ होंगे ऐसे डॉक्टर्स जो कि हो सकता है पूरी तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ हमें कहती है, उस तरह से प्रैक्टिस ना करते हो। ऐसे कुछ मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम सारे डॉक्टर्स एक जैसे हैं। हमारा कहना यही रहेगा कि डॉक्टर्स विल ऑलवेज बी अ सपोर्ट टू अ होल सोसाइटी। हम पूरी सोसाइटी का जिम्मेदारी से ये कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर बेहतर रहे, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा पैदा हो रहा हो, चाहे वो मिडल एज का कोई हो, तो डॉक्टर्स वुड ऑलवेज वॉन्ट अ बेटर एंड अ बेनिफिशियल
लाइफ एंड अ फ्यूचर फॉर द होल ऑफ द कम्युनिटी मेड बी इंडिया या अब्रॉड। डॉक्टर गौतम आप क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी, मैं अपने सारे दोस्तों से मित्रों से जो देख रहे हैं आज, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं जो हम अपना ब्लड डोनेशन करके मनाते हैं। कई सालों से हम जो है वो ब्लड डोनेशन करते हैं इस दिन पे, जिससे कि हमारा खून भी जो है वो हमारे समाज के काम आ सके। और इसलिए मैं आज अपने सारे दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने डॉक्टर्स को समझें, उनसे जो है वो प्यार करें, अपने डॉक्टर्स को जो है वो एक रिस्पेक्ट से देखें और समझने की कोशिश करें कि जो डॉक्टर आपके सामने हैं वो हमेशा आपका भला चाहेगा। कभी भी उसके दिमाग में दूर से भी ये ख्याल नहीं आ सकता कि वो अपने मरीज से कोई फ़ायदा उठा ले किसी चीज़ का। इसलिए ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें और अपने डॉक्टर को समझने की कोशिश करें। और जैसे मेरे मित्र डॉक्टर सुनील ने ये कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शांति से कोई दूसरे डॉक्टर को देखिए, शायद उस पर आपको विश्वास आए। मगर आप अपने डॉक्टर को समझने की कोशिश करिए कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल, डॉक्टर को समझने की, जानने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर गांधी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, आपका दिन है, क्या मैसेज? सबसे पहले तो सबको यही कहना चाहूँगा कि हैव फेथ एंड पेशेंस। हम अगर यहाँ से तिरुपति बालाजी जाते, एक फेथ लेके जाते हैं कि वहाँ भगवान हमारा भला करेंगे, हम यहाँ से मक्का तक जाते हैं ये सोचते हुए जाते हैं कि हमारे अल्लाह हमारा ख्याल रखेंगे, इसी तरह से आप हमारे पे फेथ रखिए, कोई भी डॉक्टर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। और जैसे डॉक्टर गौतम ने कहा कि हम इस दिन पे ब्लड डोनेशन करके एक ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं सोसाइटी को कि हमारा ब्लड कहीं भी काम आए, हम ब्लड जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ये मेरा पूरे समाज को एक मैसेज है, ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी। किसी नीडी को अगर एक यूनिट ब्लड मिल सकता है, आपके ज़रिए उसको जीवन मिल सकता है, तो वो अनजाने में भी आपको दुआ दे सकता है जो आपको कभी फ्यूचर में काम आ सकती है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जगह जहां हमारा ब्लड किसी को काम आएगा वो हमें दुआ दे और आगे हमारा काम चले। दुआओं में बहुत ताकत होती है और दुआएं पाने के लिए बहुत ज़्यादा यकीन करना होता है, फेथ रखना होता है। हैव फेथ इन योर डॉक्टर। आज 1 जुलाई है, आज फिर मैं 50वीं बार ब्लड डोनेट करूँगा, उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, वीकनेस नहीं आती, बल्कि आपकी ब्लड सेल्स नहीं बनती हैं। और हर 3 महीने में एक आदमी स्वच्छ, जिसकी एज 18 साल से और 60 साल के बीच में, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जिस तरह से आपने स्पेशल एपिसोड में देखा और हमने पूरी कोशिश की कि आपकी उन गलत अवधारणाओं को दूर करें जो आपके डॉक्टर्स के प्रति होती है, और ये तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा किया। डॉक्टर्स डे के मौके पर हम चाहेंगे कि हर घर में डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, तो अगर आपके मन में कोई परेशानी है डॉक्टर के प्रति, अगर आपके मन में कोई अवधारणा थी डॉक्टर के प्रति, तो आपकी गलत जरूर दूर हुई होगी। और फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट पे इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।